नमस्कार, मैं हूँ आस्था। टीवी इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। आम आदमी को महंगाई की तगड़ी मार पड़ने वाली है। फिलहाल सावन का महीना चल रहा है और देश में अधिकतर लोग इस महीने नॉनवेज नहीं खाते हैं। जब वे सावन के बाद चिकन या फिर अंडे खरीदने के लिए जाएंगे तो उन्हें झटका लग सकता है। दरअसल महंगाई अब अंडे और चिकन का स्वाद बिगाड़ सकती है। अंडे और चिकन की कीमत 20 से 25 फीसदी तक बढ़ सकती है। इसके पीछे मुर्गी पालन और अंडे के उत्पादन में लागत बढ़ने का हवाला दिया जा रहा है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से भी किसानों की लागत बढ़ी है। इस बिजनेस से जुड़े कारोबारियों की बात माने तो चिकन फीड कीमतें दोगुनी हो गई हैं। पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले किसान सोयाबीन और मक्के के बढ़ते भाव से परेशान हैं, क्योंकि मुर्गियों को खाने में सोयाबीन और मक्का सबसे ज्यादा दिया जाता है। व्यापारियों की माने तो सोया मील 35 रुपए किलो से बढ़कर 90 रुपए किलो तक हो गया है, यानी दोगुने से भी ज्यादा कीमतें बढ़ गई हैं। मक्के का भाव भी 40 रुपए के आसपास पहुंच गया है, जो कि 21 रुपए किलो मिल रहा था। फिलहाल थोक बाजार में अंडा 4 से 5 रुपए प्रति पीस है। पोल्ट्री फार्मिंग करने वालों का कहना है कि चिकन फीड की कीमतें बढ़ने से चिकन की उत्पादन लागत 75 रुपए बढ़कर 100 रुपए हो गया है, यानी लागत में 30 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई है, जिससे अंडे और चिकन का भाव 20 से 25 फीसदी का इजाफा हो सकता है। किसानों ने बताया कि मुर्गियों को खिलाने के लिए अनाज के दाम पिछले 2 से 3 महीने में बढ़े हैं। सोया की कीमतें बढ़ने से व्यापारियों ने सरकार से 12 लाख टन सोया मील का आयात की इजाज़त मांगी है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम ने महंगाई पर गहरा असर डाला है। हर चीज़ महंगी हो गई है। ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि इंसान खाए तो क्या खाए। 135 करोड़ की जनसंख्या में कई लोग सरकार से नाराज़ हैं और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी भी सरकार से उम्मीद है। अब देखना ये है कि ये महंगाई कब काबू में आएगी। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहें टीवी 100 नेशनल।